नमस्कार जी, कैसे हैं आप? मैं अंकित हूं और YouTube पर मेरी वीडियोस आपको अंकित गौर के नाम से मिलेंगी। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा नकसीर के बारे में। देखिए, नकसीर होता क्या है कि जब शरीर में अत्यधिक गर्मी बढ़ जाने के कारण नाक से खून बहने लगे या फिर किसी का हाथ लग जाए, हाथ लगने के बाद खून बहने लगे, बच्चों में भी काफ़ी नकसीर की प्रॉब्लम हो जाती है। ब्लीडिंग जब नाक से होती है तो उसको नकसीर की सिचुएशन कहा जाता है। काफ़ी कई बार लोग घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, इस मामले में क्या हो, कैसे नाक से खून आएगा तो क्या करेंगे। तो इसमें मैं आपको आयुर्वेदिक इलाज बताता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है कि आदमी को या जिसको भी नकसीर आ रही है उसको सीधा लेटाएंगे। सीधा लेटाने के बाद उसके सिर पर पानी डालेंगे। सिर पर पानी डालने के बाद आपको ये पता लगेगा, देखेंगे आप कि नकसीर में काफ़ी उसको अभी आराम लग रहा है। अच्छा, उसके बाद क्या करेंगे आप, जो धनिया का रस होता है, धनिया पत्ते का रस जो होता है वो नाक में डालेंगे तो उससे भी नकसीर में आराम मिलेगा। अपना जो प्याज होता है, प्याज को हल्का गर्म, प्याज के रस को थोड़ा सा गर्म करके नाक में डालेंगे तो उससे भी काफ़ी इसमें फ़ायदा मिलता है। प्लस अब एक बात देख लीजिए, जो नींबू का रस और आंवले के रस को मिला के थोड़ा थोड़ा अगर आप नाक में डालते हैं तो उससे भी काफ़ी फ़ायदा मिलता है। फिटकरी जो होती है, फिटकरी को जब आप नाक के बाहरी उस पर रगड़ते हैं तब काफ़ी फ़ायदा मिलता है। इसके बाद अगर बात की जाए तो मुलेठी और आंवला को जब आप क्या करेंगे, बराबर मात्रा में लेंगे, इसका चूर्ण बनाएंगे और इस चूर्ण को आप सुबह शाम एक एक चम्मच जब गाय के दूध के साथ लेंगे तो भी आप देखेंगे कि काफ़ी फ़ायदा इस चीज़ के अंदर मिलता है। जो अच्छा रात के टाइम पे भिगोई हुई जो मुल्तानी मिट्टी होती है उसको जब आप नाक पे लेप लगाएंगे उससे भी आप महसूस करेंगे कि जिस भी व्यक्ति को अपना ये प्रॉब्लम है नकसीर की उसमें काफ़ी फ़ायदा मिल रहा है। नकसीर में आप कोशिश करें कि थोड़ा ठंडा खाएं, क्योंकि ठंडा, जिस खाने की तासीर ठंडी हो वो खाएं, क्योंकि अब गर्मियां बढ़ती जा रही हैं। कुछ लोगों के शरीर में गर्मी ऑलरेडी इतनी ज़्यादा होती है कि नकसीर आना स्वाभाविक सी बात हो जाती है। तो दही और छाछ का ज़्यादा इस्तेमाल करें, छाछ पिलाएं, उससे भी काफ़ी फ़ायदा मिलता है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताया किस तरीके से आप नकसीर में फ़ायदा ले सकते हैं। ये सब चीज़ें, इन चीज़ों का सोर्स जो है मैंने राजीव दीक्षित जी, अष्टांग हृदयम, तो इन सब चीज़ों से जगह से मैं आपको ये सब बातें बताता हूँ। मेरी आप लोगों से एक विनम्र विनती ये है कि जिस आज जो चिकित्सा पद्धति को हम भूल चुके हैं उस पर हम वापस आएँ, क्योंकि इस पद्धति से प्रॉब्लम्स आज भी हैं, प्रॉब्लम्स पहले भी थी और प्रॉब्लम्स कल भी होंगी, जो हमारे बॉडी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं। तो देख लीजिए, इलाज पहले से है। एलोपैथिक सिस्टम आने से पहले से क्या लोग नकसीर नहीं आती थी, क्या किसी को और बॉडी प्रॉब्लम्स नहीं होती थी? होती थी, लेकिन पहले क्या था कि हम लोगों के पास इलाज था, हम लोगों के पास ज्ञान था, वो ज्ञान उस चीज़ से हम बहुत दूर हट चुके हैं। मेरी इच्छा यही है कि मैं आप लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है हमारे पौराणिक जो चिकित्सा पद्धति है उसकी आप लोगों तक पहुँचा सकूँ। आशा करूँगा कि ये वीडियो आप लोगों के बहुत काम आएगी भाई, और आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, गर्मी आ रही है, अपना ध्यान रखिएगा। चलिए, बहुत सारा प्यार सबको, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।